रुक करते हैं अब विस्तार से गतिविधियों की ओर। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बिलासपुर से शुरू हुआ रोड शो देर रात हमीरपुर पहुंचकर संपन्न हुआ। रोड शो के दौरान जनता के भारी उत्साह को देखकर अनुराग ठाकुर भी गदगद हो गए। रोड शो के दौरान करीब 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ अनुराग ठाकुर खुली जीप में पहुंचे, जहां पर लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपने प्रचार के दौरान बिलासपुर से शुरू हुए रोड शो को हमीरपुर में देर रात को संपन्न किया। रोड शो के दौरान जनता में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसे देखकर अनुराग ठाकुर भी गदगद हो गए। रोड शो के दौरान करीब 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ अनुराग ठाकुर खुली जीप में पहुंचे, जहां पर लोगों ने फूल मालाओं से अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी से स्वागत किया। काफिले के दौरान जहां एक और हजारों की संख्या में गाड़ियों के काफिला हमीरपुर पहुंचा, तो वहीं हमीरपुर के हर शहर में हजारों की संख्या में समर्थकों ने घंटों इंतजार कर अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन को भी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने में खासी मशक्कत करनी पड़ी है। लगता है हिमाचल प्रदेश के इतिहास का सबसे लंबा रोड शो था और एक ऐतिहासिक रोड शो था, जिसमें हमीरपुर और बिलासपुर जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में हजारों लोग उमड़कर बाहर आए। ये दिखाता है मोदी जी की आंधी सुनामी में बदल चुकी है और लोग मन बना चुके हैं फिर एक बार मोदी सरकार। महिलाएं रात के 8:30-9 बजे, बुजुर्ग 95-96 साल के,
सड़कों के किनारे दो दो घंटे से खड़े आशीर्वाद देने के लिए मैं इनका बहुत आभारी हूं दिल से, जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है। और उनको विश्वास दिलाता हूं कि चौथी बार जब 23 मई को जीतूंगा तो उनके लिए पहले से बढ़ चढ़ कर काम करूंगा।